हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं पवन सर एक बार पुनः आप सभी का स्वागत करता हूं आपके इस ऑफिशियल चैनल HP YouTube क्लासेज में स्वागत करता हूं। दोस्तों, एक और नए मज़ेदार वीडियो के साथ आज की हम क्लास शुरुआत करने चल रहे हैं। दोस्तों, आज हम आपको सिखाएंगे कि वर्गंतराल से माध्यिका कैसे ज्ञात करते हैं। दोस्तों, अगर हम बात करें, ये बोर्ड एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आपकी बार 2023 बोर्ड एग्जाम में आएगा और 100% ये क्वेश्चन आएगा। तो दोस्तों, शुरुआत से लेकर के अंत तक इस वीडियो को देखना, मैं आपसे बाद में बात करूंगा कि ये कितने नंबर का आएगा क्वेश्चन। और सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से एग्ज़ाम में 100% ये क्वेश्चन आएगा। तो दोस्तों, शुरुआत करेंगे इस क्वेश्चन को कैसे हल करते हैं, ठीक है। और हल करने का एकदम बिल्कुल आसान तरीका हम आपको बताने चल रहा हूँ। देखेंगे आज के बाद आपको लगेगा कि वास्तव में हमने जो माध्यिका सीखी, आज के बाद हमें माध्यिका से कोई दिक्कत नहीं होगी। मैं इससे रिलेटिव जो भी क्वेश्चन मिलेंगे आप लोग आसानी से क्या करेंगे, कर लेंगे। तो चलिए देखते हैं, शुरुआत करते हैं हम अपनी क्लास की। देखिए, कह रहा है कि निम्नलिखित बारंबारता बंटन सारणी से माध्यिका ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो आपका देखिए, ये डायग्राम दिया रहेगा, वर्गंतराल दिया है, फिर बारंबारता दिया है। वर्गंतराल में आपका दिया है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से क्या दिया है 50। फिर बात करें, यहाँ बारंबारता जो दिया है आपका 6, 9, 12, 8 और क्या दिया है 15 दिया है, और क्या दिया है 15, ठीक है। तो ये आपका डायग्राम दिया है, सारणी दिया है जिसे हम कहते हैं। अब बात करें हल में क्या लिखना रहेगा, ये देखिए, ये वर्गंतराल लिखा जाएगा। यहाँ बारंबारता को आपको पता है, इसको हम EFI से लिखते हैं। किससे लिखते हैं? EFI से लिखते हैं। असंचयी बारंबारता को CF से लिखते हैं। किससे लिखते हैं? CF, संचयी बारंबारता हो गया, ठीक है। आप देखिए, इसको हम हल कैसे करेंगे, ज़रा ध्यान देखना, सब लोग समझ में आ जाएगा। देखिए, यहाँ लिखेंगे 0 से 10, 0 से 10, और इतना आपको हल करना है एग्ज़ाम में, यहाँ से आपको हल करना है। फिर लिखा है 10 से 20 लिखा है, 20 से 30 लिखा है, फिर 20 से 30। आगे बात करें, देखिए इधर 30 से 40, 30 से 40 लिखा है, और 40 से कितना लिखा है 50 लिखा है, 40 से कितना 50। अब बारंबारता का आपका जो दिया है, देखिए आपका यहाँ पर क्या दिया है, 6 के बाद 9, फिर 12, फिर 8, 8, 8 के बाद क्या दिया है भाई 15 दिया है, ठीक है। आप देखिए, तो संचयी बारंबारता में क्या करते हैं, हम बारंबारता की पहली गिनती उतार देते हैं, ठीक है। ये देखिए 6 में फिर बारंबारता का और संचयी बारंबारता की पहली गिनती जोड़ लेते हैं इसमें। ये देखिए 9 6 15 हुआ, ठीक है। अब 15 12 जोड़ेंगे तो कितना होगा 27 होगा, 27 8 कितना होगा 35 होगा, और 35 15 जोड़ेंगे तो कितना होगा भाई 50 होगा, ठीक है। इस तरह से आपने देख लिया इनका योग कैसे निकाल लिए, ठीक है। और लास्ट वाली ही गिनती किसका मान होती है, यन का ये मान होती है। अब देखिए, यन का मान यहाँ से आपका 50 मिल गया, तो ये आपका कहा जाए कि ये यन का मान है, ठीक है। लास्ट वाली ही गिनती यन का मान, ये चाहे सम पे हो चाहे विषम पे हो। अब देखेंगे, यहाँ लिखेंगे n/2, यहाँ क्या लिखेंगे n/2, और यहाँ पर आपको लिखना रहता है योग, क्या लिखना रहेगा योग लिखना रहेगा। अब n/2 ये देखिए 50/2, 2 × 2, 2 × 4, 2 × 5, 10, इस तरह से आपको कितना निकल के आ गया 25 निकल के आ गया, ठीक है। अब ये 25 आप आ गया n/2। अब देखेंगे ये 25 संचयी बारंबारता में किसके बीच में है आपका, ठीक है। तो देखिए, यहाँ से अगर देखा जाए तो ये 27 के बीच में क्या है भाई आपका 25 है। तो इसी के सामने अगर हम बात करें इस तरह से, यहाँ से अगर यहाँ ये आए तो ये आपका छोटा f का मान होगा, क्या होगा छोटा f का मान होगा। इसके और आगे आएंगे तो ये आपका L1 और क्या होगा L2 होगा, ठीक है। इसके ऊपर जाएंगे तो आपका बड़ा f का मान यहाँ से क्या होगा निकलेगा, ठीक है। अगर यहाँ देखिए वर्ग अंतराल कितने का है 10 का है, ठीक है। देखिए अब यहाँ से हल कैसे करेंगे, लिखेंगे दिया है, लिखेंगे दिया है n/2, ठीक है। इधर ज़रा ध्यान देखेंगे n/2, ठीक है। n/2 का मान आपका कितना मिल गया 25 मिल गया, n/2 का मान मिल गया आपका कितना 25 मिल गया। उसके बाद हमने आपको बताया ये आपका क्या होता है f का मान होता है, यहाँ पर लिखेंगे f बराबर कितना लिखेंगे 12 लिखेंगे, कितना लिखेंगे भाई 12 लिखेंगे। उसके बाद बात करें तो जो CF का मान होता है, इसके ऊपर संचयी बारंबारता जो होती है आपका ये होता है CF, तो
तो सी एफ का मान कितना मिल गया आपका, 15 मिल गया। क्या मिल गया भाई, 15 मिल गया। ठीक है, और देखिए इसमें जो अंतराल है आपका कितने का है, 10 का है। तो इस तरह से आपका एच का जो मान निकला वो कितना निकल गया, 10 निकल गया। कितना निकल गया भाई, 10। तो अब इस तरह से हमने देख लिए, मान निकाल लिए। अब हमारा जो सूत्र होता है वो आपका क्या होता है, ज़रा उसको देख लेते हैं। ठीक है, तो बात करें माध्यक का जो सूत्र होता है, ठीक है भाई, माध्यक, ठीक है, माध्यक का जो सूत्र होता है वो आपका क्या होता है, आपको हमने बताया n बाई टू माइनस सी एफ होता है पूरे का बटे, पूरे का बटे आपका क्या होता है, एफ होता है। ठीक है, सॉरी यहाँ पर l प्लस होता है, यहाँ पर छोटा एफ और गुणे क्या होता है, h। भाई यहाँ आपका l का जो मान निकला, l अगर बात करें, l का मान जो निकलेगा आपका यहाँ से निकलेगा निम्न सीमा, अर्थात कितना निकलेगा, 20 निकलेगा। कितना निकलेगा भाई, 20। ठीक है, तो यहाँ से यल का मान जो आपका आ गया वो कितना आ गया, 20 आ गया। अब इसी सूत्र पे हमें क्या करना है, रखना है। चलिए देख लेते हैं जल्दी से, हम रख के इधर देखिए, यल का मान कितना रखेंगे, 20 रखेंगे, प्लस एन बाई टू का मान आपका मिला है 25, माइनस सी एफ का मान मिला है आपका कितना, 15 मिला है, पूरे का बट्टे, फिर एफ का मान आपका कितना दिया है, 12 दिया है, गुणे एच का मान आपका कितना दिया है, 10 दिया है। ठीक है, आप देख लेते हैं इसका हम कैलकुलेशन करेंगे, या लिखेंगे 20 प्लस लगाएंगे, इसको घटाएंगे तो कितना बचेगा, 10 बटे 12 गुणे क्या आ गया, 10 आ गया। ठीक है, आप देखिए यहाँ से देखिए भाई, ये 20 प्लस लगाएंगे, 10 दहम्मा 100 बटे कितना आ गया, 12 आ गया। क्लियर, अब इसको हम भाग कर लेंगे, 12 का नम 12, 12 अट्ठे 96, 12 अट्ठे कितना होता है, 96, फिर कितना बचेगा, 4 बारतियाई 36, फिर 4 बचेगा, बारतियाई 36, बार 3 4 बचेगा, बारतियाई 36। अब इस तरह से इसको हम जोड़ लेंगे, यहाँ से निकलेगा 20 प्लस कितना आ गया, 8.33 आ गया। क्लियर, अब इसको जोड़ लेते हैं तो 20 8 कितना आ गया, 28, 28.33 कितना आ गया, 33। तो इस तरह से आपका यही आंसर निकल के आ गया। ठीक है, तो ये दोस्तों देखते हैं और उम्मीद करते हैं आप लोग को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आप लोग इसको अच्छे से रिवाइज कर लीजिए ताकि समझ में और आ जाए। ठीक है, बस इस क्वेश्चन में आपको बताएं तो ये क्वेश्चन तकरीबन आपको कम से कम 6 नंबर क्वेश्चन आएगा और यूपी बोर्ड 2023 के एग्ज़ाम में आएगा। तो आप लोग इस क्वेश्चन को अच्छी तरीके से पूरी तैयारी कर लीजिए और देख लीजिए, यकीन मैं बता रहा हूँ कि ये क्वेश्चन ज़रूर आएगा एग्ज़ाम में। ठीक है, तो चलिए मिलेंगे फिर एक और नए वीडियो के साथ, आप लोग बस इसको रिवाइज करते रहिए। हाँ, आपको और बता दें कि कोई भी दिक्कत हो, समस्या हो, तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में आप हमसे जरूर पूछ सकते हैं। तो चलिए मिलेंगे एक और बेहतरीन वीडियो के साथ, तब तक सभी लोगों को थैंक्स।